press the bell icon on the YouTube app and never. ये जो मुहिम चली थी, ये PFI से, केरला के और पाकिस्तान से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी. ये मुहिम स्टार्ट होने के बाद शिवम दुबे की वाइफ, जिनके हस्बैंड हिंदू हैं और इंडियन क्रिकेटर हैं, वो अंजुम खान ने इसको हवा दी. और हवा देने के बाद पश्चिम बंगाल में या तो PFI से पैसा आया या तो पाकिस्तान से पैसा आया. मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, हालांकि मैं ये मामला हाईकोर्ट में डाल रही हूँ और जरूरत पड़ेगी तो मैं सभी को. जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो ना सिर्फ मुल्ला मौलवी हो बल्कि सादी रशीदी जैसे मौलाना जो मजहब का कारोबार करते हैं उन पे तगड़ा भड़क गई. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. कि देखो ये बहुत आवारा औरत है, देखो ये छोटे छोटे कपड़े पहनती है. पहनते तेरे बाप का क्या जा रहा है, तेरे बाप से लेकर पहन रही हूँ क्या मैं? तो आज भी पहनती हूँ, अब भी पहनती हूँ मैं वेस्टर्न कपड़े. तो तेरा क्यों दर्द हो रहा है, तेरे गले में क्यों दर्द हो रहा है? तेरी अम्मा और बहन क्या इतनी सुंदर नहीं है क्या मेरे जितनी, जो तकलीफ हो रही है? चलो भैया वो हो गया, मैंने इग्नोर कर दिया. उसके बाद इसका तीन हस्बैंड है. भाई तेरा क्या जा रहा है? मुसलमान मर्द 4 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, मैंने 3 कर लिया तो क्या हो गया? अब जब मैंने नोटिस भेजा कि मेरा 3 हस्बैंड मेरे से मिला दो, तो छुप जाओ. ये तो अपना 3 हस्बैंड मांग रही है, अब जल्दी से छुप जाओ, अब इससे छुप जाओ, तुम लोग सब कोई छुप जाओ. आप लोगों को हमेशा से ये सुनाया गया भारत में मुसलमान बहुत अत्याचारित है, भारत में मुसलमान तो बेचारा मर रहा है, भारत का मुसलमान तो बेचारा खा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान पहन नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान मस्जिद जा नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान रोजा रख नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान को फतवा कर नहीं पा रहा है, भारत का मुसलमान को मदरसा चला नहीं पा रहा है. लेकिन ये दृश्य क्या बोल रहा है जो पाकिस्तान पहुंच रहा है, ये दृश्य क्या बोल रहा है? हर रोज भारत का न्यूज चैनल आप उठा करके देखिए, चाहे यूट्यूब देखिए, चाहे आप नेशनल न्यूज देखिए, आप देखिए कि उसमें कम से कम 10 हेडलाइन, फलाना मुसलमान ने मदरसे में जाली नोट छाप दिया, फलाना मुसलमान ने वहां पर आग जला दिया, फलाना मुसलमान ने फलस्तीन का झंडा लहरा दिया, फलाना मुसलमान ने सर का नारा लगा दिया, फलाना मुसलमान ने धर्म परिवर्तन का. ये जो मुहिम चली थी, ये PFI से, केरला के और पाकिस्तान से ये मुहिम स्टार्ट हुई थी. ये मुहिम स्टार्ट होने के बाद शिवम दुबे की वाइफ, जिनके हस्बैंड हिंदू हैं और इंडियन क्रिकेटर हैं, वो अंजुम खान ने इसको हवा दी. और हवा देने के बाद पश्चिम बंगाल में या तो PFI से पैसा आया या तो पाकिस्तान से पैसा आया. मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, हालांकि मैं ये मामला हाईकोर्ट में डाल रही हूँ और जरूरत पड़ेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी डालूंगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं UN भी जाऊंगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट भी जाऊंगी. बात इतनी है कि जो मॉब वहां पर खड़ा था उनके हिसाब से वो करोड़पति नहीं है, तो फिर 250 से ज्यादा वकील मेरे खिलाफ खड़े कैसे हो गए? 1,00,000 से ऊपर हैंडबिल कैसा छप गया, वो भी डिजिटल हैंडबिल? हजारों पेड मीडिया, कोई नेशनल न्यूज नहीं आया मेरे 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 अरेस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि ब्लास्फेमी तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में होता है, ये तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था. पेड न्यूज यूट्यूबर्स को आपने बुलाया, जिसकी न्यूज शायद आप दिखा दिए इसी वजह से वायरल हो गया, अदरवाइज वायरल भी नहीं होता. तो उसके बाद फिर 250 से ज्यादा वकील, असला, बम, बारूद, छुरी, छोटे छोटे कैंची आप मेरे लिए लेकर के आए, इतना बड़ा मॉब लेकर के आए, आपने बहुत सारे थाना में मेरे लिए FIR किया, तो सब तो फ्री में नहीं हो गया होगा ना, इसमें तो एक भारी रकम लगी होगी. जगह जगह आपने प्रदर्शन किया, जगह जगह आपने हैंडबिल बनाया, जगह जगह आपने मेरा पोस्टर बनाया, उसके बाद जगह जगह आपने इस्लामिक मजलिस किया, जगह जगह आपने तकरीर किया, तो ये सारी चीजों में तो पैसा लगता है, ये इतने पैसे आए कहाँ से? तो आपको तो अल्लाह ने जवाब दे दिया कि आप झूठे लुच्चे थे, आप मक्कारी कर रहे थे, आप अपने पर्सनल गरेजेस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मेरे से निकाल रहे थे. और ये साजिश आज से नहीं चल रही है, ये साजिश चल रही है 2020 से. पहले क्या कर रहे थे ये लोग पहले कर रहे थे कि मेरे
कॉलेज के जमाने के मेरी अपनी निजी जिंदगी की इंस्टाग्राम से तस्वीरें निकाल निकाल करके उसको वायरल करते थे कि देखो ये बहुत आवारा औरत है, देखो ये छोटे छोटे कपड़े पहनती है, पहनते तेरे बाप का क्या जा रहा है, तेरे बाप से लेकर पहन रही हूँ क्या मैं, तो आज भी पहनती हूँ, अब भी पहनती हूँ मैं वेस्टर्न कपड़े, तेरे गले में क्यों दर्द हो रहा है, तेरी अम्मा और बहन क्या इतनी सुंदर नहीं है क्या मेरे जितनी, जो तकलीफ हो रही है। चलो भैया वो हो गया, मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद इसका तीन हस्बैंड है, इसका तीन हस्बैंड है, भाई तेरा क्या जा रहा है, मुसलमान मर्द चार कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, मैंने 3 कर लिया तो क्या हो गया। अब जब मैंने नोटिस भेजा कि मेरा 3 हस्बैंड मेरे से मिला दो, तो छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, ये तो अपना 3 हस्बैंड मांग रही है, अब जल्दी से छुप जाओ, अब इससे छुप जाओ, तुम लोग सब सब कोई छुप जाओ। फिर 1 महीना शांति, 2 महीना शांति, उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत बड़ी चिटिंग बाज है, ये बहुत बड़ी चिटिंग बाज है, बहुत बड़ी चिटिंग बाज है। भैया किया किसका चिटिंग, तो फलाने का किया, एक आदमी खड़ा हुआ कि मैं किसका किया, भाई तू इतने पैसे ला कहां से रहा है, तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आज अगर मैं ये कहूं कि मैंने किसी को 1 करोड़ रुपए दिया है तो कोर्ट मेरे से भी तो पूछेगा कि आपने 1 करोड़ रुपया लाया कहां से, कमाया कैसे, उसका भी तो हिसाब दीजिए भैया, जरा उसके बारे में भी तो बताइए। तो नाजिया तो 1 करोड़ का हिसाब और इनकम टैक्स फाइल जो है वो कोर्ट को दे सकती है, लेकिन सामने वाला तो बता रहा है कि वो बहुत भिखमंगा है, तो वो कहां से देगा कोर्ट को। तो फिर छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, हम लोग सब मिल जाओ छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, अभी नाजिया ने जवाब जवाब दे दिया है, छुप जाओ। अब नाजिया ने कोर्ट को कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया। अब उसके बाद लगा कि अच्छा अब तो ये सारी चीजों से डर नहीं रही है, ये तो फिर भी सीना चौड़ा करके चल रही है, ये तो फिर भी अपनी आवाज बुलंद रखी हुई है, ये तो फिर भी बहुत पॉपुलर हो रही है, तो अब एक काम करो कि इसकी मॉब लिंचिंग कर दो। अब ये स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई है। अब ये लोग क्या करेंगे, मौलाना साजिद रशीदी के साथ साथ टीएमसी के 2-3 विधायक और टीएमसी की महिला नेत्री मिलकर के ये लोग क्या करेंगे, अब मेरी रेकी करेंगे, और क्योंकि इसके अलावा अब इनके पास कोई चारा बचा ही नहीं। ये फेक एफआईआर करके थक गए, ये मुझे मलाइंग और डिफेम करके थक गए, ये मुझे बेइज्जत करवा करवा करके थक गए हैं। इन्होंने अलग अलग से चैनल बना दिया है, छोटा छोटा 54-58 चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ मेरी ही बातें पोस्ट होती हैं। मैं कौन से रेस्टोरेंट में गई हूँ, अरे भैया वो तो मैं खुद इंस्टाग्राम में डाल रही हूँ, लोग तो पहले मेरे से देख रहे हैं कि मैं फलाना रेस्टोरेंट में गई हूँ, तेरे बाप के पॉकेट से लेकर के गई हूँ क्या, चलो वो दे। तो ये सब क्या है, ये सब मुसलमान अपने अपने चरित्र को ही तो दिखा रहा है कि एक औरत से तकरीबन 10 लाख लोग मिल करके, और वो चवन्नी साजिद रशीदी वो दिल्ली से बैठे बैठे मेरे से लड़ रहा है। भैया क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे पीछे मैंने उंगली डाली है क्या, किया क्या है मैंने तुम्हारे साथ, मैं तो पूछूंगी साजिद रशीदी से कोर्ट में कि मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ, तुम अपनी दुकान चमका रहे हो, तुम अपना दुकान चला रहे हो, तुम मीडिया वाले को बोल रहे हो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम संविधान से ज्यादा सब कुछ जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा हम सब कुछ जानते हैं, ये मौलाना साजिद रशीदी नेशनल टेलीविजन पर बोलता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, मैंने तो सब निकाल करके रखा है ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट को दिखा सकूं। तो अब जवाब जो है, अब ये लोग हारेगा, अब इन लोगों को समझ में आ चुका है कि नाजिया को नंगा कर दो नाजिया चुप नहीं होती, नाजिया को बेइज्जत कर दो नाजिया चुप नहीं होती, नाजिया को जेल भेज दो नाजिया चुप नहीं होती। अब नाजिया का मौलाना साजिद रशीदी किसी ना किसी मुसलमान को, किसी ना किसी हिंदू को पैसा दे करके करवाएगा, ये भी आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए मेरी इस बात को, आज कहीं ना कहीं अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी का जो दोस्त बंगाल में जिससे पैसे का लेन देन होता है फोन पर, फोन पे से, और जिससे डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर जाते हैं कि नाजिया ने आज स्कर्ट पहना, नाजिया ने आज जीन्स पहना, नाजिया आज अरेस्ट हो गई, नाजिया ने आज साड़ी पहना, नाजिया ने आज जो है ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया, ये जो आदान प्रदान मौलाना साजिद रशीदी और एक हिंदू मर्द के साथ होता है और पैसे का जो लेन देन होता है, ये भी मैं प्रूफ कर दूंगी कोर्ट को, चाहे वो लोग डिलीट ही क्यों ना कर दे सब कुछ, ये भी मैं कोर्ट को प्रूफ कर दूंगी। और अभी देखिए, जब तो कहता है कि ये काफिर है, लेकिन उसे हिंदू को रख करके मेरे को बदनाम और मेरी मौत का पूरा इंतजाम जो है वो हिंदू से करवा रहा है साजिद रशीदी, तब वो काफिर नहीं है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे सच्चाई को एक्सपोज किया कि मुल्ला मौलवी और खासकर
मौलाना सादी रशीदी, जो कि ना सिर्फ उन्हें धमकियां दे रहा है बल्कि इनको जान से मारने की भी कोशिश कर रहा है। हमने देखा था थोड़े दिन पहले कैसे कोलकाता हाई कोर्ट के बाहर कई लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो नाजिया खान जी पे हमला करना चाहती थी। तो आशा करता हूँ कि नाजिया खान जी का ये इंटरव्यू और रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और नाजिया खान जी की सपोर्ट में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।